और चलिए आगे बढ़ते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, एक बड़ी अपडेट के साथ। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष की हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के दोनों मुख्य आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है, यह बड़ी अपडेट। मुख्य आरोपी शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ एक और आरोपी को पकड़ा गया है जो इनका मददगार रहा है। राजस्थान और दिल्ली पुलिस के साझा अभियान में, ज्वाइंट ऑपरेशन में यह बड़ी कामयाबी मिली है। चंडीगढ़ से ये गिरफ्तारियां की गई हैं। आरोपियों को अब दिल्ली लाया गया है। दिल्ली पुलिस के सहयोग से एसआईटी ने इन दोनों की गिरफ्तारी की है। यह बड़ी खबर, गोगामेड़ी हत्याकांड में बड़ी कामयाबी। ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद दो शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है, एक मददगार को गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए आप, आरोपी रोहित राठौर और आरोपी नितिन फौजी, दोनों की तस्वीरें इन दोनों शूटर्स की इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद, दिल्ली लाया गया। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इनके एक मददगार को भी अरेस्ट कर लिया गया है और अब इनसे पूछताछ होगी। इसमें सारे राज खुलकर सामने आएंगे। इस हत्या के पीछे का षड्यंत्र सामने आएगा, इसके कारण सामने आएंगे। दोनों की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, दोनों ही आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके बाद दिल्ली लाए गए हैं। कुछ जरूरी जो जानकारी है इस हत्याकांड से जुड़ी हुई वो अब आपको बताने जा रहे हैं। सुखदेव की हत्या कब हुई थी ये जान लीजिए। देखिए, 5 दिसंबर को हत्या की गई थी। जगह कौन सी थी? जयपुर में ये हत्या की गई। आरोपी रोहित राठौर, जिसकी खोज लगातार की जा रही थी, और आरोपी नितिन फौजी, इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये दोनों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई ये भी अब आपको बता देते हैं। चंडीगढ़ से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। मददगार भी एक गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम रामवीर जाट है, इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और इन तीनों को ही दिल्ली लाया गया है। अब यहां पर इनसे पूछताछ और तमाम इस हत्याकांड से जुड़ी हुई जानकारी इनसे जुटाई जा रही है कि किस तरीके से इन्होंने प्लान किया, किसके कहने पे किया, ये तमाम चीजें अब पुलिस इनसे पूछ रही है। और जो जरूरी जानकारी है वो हम आपको देखिए दे रहे हैं कि किस दिन ये हत्या हुई, कहां पर ये हत्या हुई, कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई, ये तमाम चीजें हमने आपके सामने रखी है। वरुण जैन मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वरुण, क्योंकि दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक मददगार की भी गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली इनको लाया गया है, अब यहां से आगे की कार्यवाही किस तरीके से आगे बढ़ेगी और क्या अब तक जानकारी मिल रही है इनसे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मामला राजस्थान का है तो अभी इन तीनों आरोपियों को दिल्ली लेकर आया गया है। राजस्थान और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद चंडीगढ़ से इन दोनों शूटर्स और उनका जो एसोसिएट है उधम, इन तीनों को गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल अभी आरकेपुरम क्राइम ब्रांच के ऑफिस में इन तीनों को रखा गया है। और क्योंकि जो मामला राजस्थान का था तो ऐसे में उम्मीद यही है कि अब आगे राजस्थान पुलिस जो है इनको जयपुर लेकर जाएगी और उसके बाद वहाँ पर कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेकर आगे पूछताछ करेगी, जिससे पूरी कॉन्स्पिरेसी से पर्दा हट सके। लेकिन एक बड़ी सफलता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस सूत्र में जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के पास भी इन शूटर्स को लेकर एक टिप ऑफ था, उसके बाद ये पूरी जो प्लानिंग थी इस ज्वाइंट ऑपरेशन की वो की गई और उसके बाद जो जयपुर राजस्थान पुलिस है उसके साथ दिल्ली पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाया और फिर चंडीगढ़ से इन शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। जी बहुत शुक्रिया वरुण तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चंडीगढ़ से गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली लाया गया है, अब यहां से आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। ये बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं, दोनों शूटर्स जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी कामयाबी मिली है और बड़ी कामयाबी ये है कि सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड में जो दो आरोपी थे, नितिन फौजी और राठौर, रोहित राठौर, उनको गिरफ्तार कर लिया। ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी और इसके बाद अब इनसे पूछताछ की जाएगी। 5 दिसंबर को सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या हुई थी, उसके बाद कानून व्यवस्था के लिए भी संकट खड़ा हो गया था। जयपुर में जो राजपूत संगठन से जुड़े लोग थे वो जुटने लगे थे और उसके साथ ही साथ गोगामेड़ी की जो पत्नी है, तमाम मांगे थी, उनमें एक मांग ये भी थी कि 72 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। और इस गिरफ्तारी के बाद बड़ी राहत की सांस पुलिस ले रही है, क्योंकि अगर वक्त रहते गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर एक नया दबाव पुलिस के सामने आ सकता था। आइए अब आपको इन दोनों आरोपियों के बारे में और
विस्तार से बताते हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद। इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो अब हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। इस हत्याकांड के दो बड़े आरोपी जी शूटर रोहित राठौर और शूटर नितिन फौजी, ये दो आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। लॉरेंस गैंग का तेज तर्रार शूटर है, सेना का जवान है नितिन फौजी जी, सेना का जवान है, नागौर जिले के मकराना का रहने वाला है। ये इसके बारे में डिटेल्स निकल के सामने आ रही है। नागौर जिले के मकराना का रहने वाला नितिन फौजी और शार्प शूटर है। नितिन की अलवर में फिलहाल पोस्टिंग थी। पिता गिरधारी सिंह राठौर जो है वो रिटायर्ड फौजी, हरियाणा के महेंद्रगढ़ का निवासी है, जयपुर में घर बनाया। 8 नवंबर को 2 दिन की छुट्टी पर आया था और उसके बाद देखिए 5 दिसंबर को हत्या हुई। तो ये इन दोनों के बारे में डिटेल, जो दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, ये देखिए आप, आरोपी रोहित राठौर और आरोपी नितिन फौजी, इन दोनों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर।